हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंह बर्निंग व्हील। आज हम जा रहे हैं बिलवादर, जो कि सोनभद्र में पड़ता है और ये आपका अनपुरा से लगभग 20 से 25 किलोमीटर का रास्ता है। आप तो वैसे जो शक्ति नगर से वाराणसी वाला हाईवे है वैसे पकड़ के जा सकते हैं, और बीच में अंदर ये गाँव में पड़ता है। गाँव में लगभग आपको 5 से 6 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। और ये देख रहे हैं आप, रोड देख सकते हैं उतना भी अच्छा नहीं है, ठीक ही कहा जा सकता है। कहीं ऑफ रोडिंग करना पड़ता है, कहीं नॉर्मल रोड आ जाता है। और ये आपको ले चलते हैं बिलवादर। ये देखिए दूर से आप सीन देख सकते हैं बिलवादर का, बहुत अच्छा दिख रहा है। ये जो साइड में आपको दिख रहा है, ये यहाँ से कंट्रोल किया जाता है पानी वानी का फ्लो। और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो ये आपको दिख रहा है, ये ब्रिज टाइप का है जो कि आपको बिलवादर पे जोड़ता है। ये हम आगे चलते हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अभी तो वैसे दोपहर के टाइम हम लोग आए हैं, रात या शाम के टाइम लगभग 5 से 6 बजे तक इसका ही बहुत ही अच्छा व्यू होता है, बहुत अच्छा लगता है। आप इसको एज अ पिकनिक स्पॉट के लिए यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप कैंपेनिंग भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे लगता है। रात में तो हम लोग एक बार रात में गए थे, बहुत ही बेहतरीन हवा चल रहा था, कैंपेनिंग कर सकते हैं यहाँ पे। और ज़्यादा आपको यहाँ पे जानवरों वानवरों का भी डर नहीं है, क्योंकि जानवर यहाँ बहुत कम है जो आपको कभी हार्म नहीं पहुँचाएंगे। और ये आपको हम आगे ले चलते हैं, आप देख सकते हैं साइड से कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। ये सारा बहुत बड़ा एरिया पानी का, ये एक तरह से यहाँ का जन्नत माना जाता है बिलवादर, जो कि आपका सोनभद्र में पड़ता है। ये देख लीजिए जी, हम लोग आ चुके हैं, अब आगे आप व्यू का आनंद लीजिए। और ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। अभी हम बिलवादर के राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं, राइट में ऑलमोस्ट एंड पे आ रहे हैं। देखते हैं उधर से कैसा दिखता है। और आप देख सकते हैं पूरा ब्लू दिख रहा है। और ये देखिए एक आखिरी नज़र बिलवादर का पूरा राइट एंड से। आप हम लोग कुछ देर बाद जाएंगे दूसरे एंड पे, लेफ्ट एंड पे, तब देखेंगे उधर से कैसा दिखता है। ये देखिए आपको यहाँ पे आप पिकनिक भी बना सकते हैं और आपको लकड़ी वकड़ी सबका साधन भी मिल सकता है। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अभी तो वैसे धूप है यहाँ पे, लेकिन शाम 5 से 6 बजे के बीच एकदम ठंडी ठंडी यहाँ से हवा चलने लगती है। आप यहाँ पे फायर वर्क करके एंजॉय भी बहुत कर सकते हैं। देखिए जैसा ही बताया आपको दिखता होगा, कुछ लोग आग जलाए हुए पहले पड़ा हुआ है। यहाँ पे अक्सर लोग पिकनिक मनाने आते हैं। हम लोग नीचे चलते हैं, नीचे से आपको दिखाते हैं कैसा दिख रहा है। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से। चारों तरफ आपको नीचे से देखते हैं कैसा दिख रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर से कितना अच्छा लुक दे रहा है। ये बहुत अच्छा, यहाँ पे आप खुद जाएंगे आपको पता चलेगा कि मतलब सोनभद्र में ऐसे ऐसे कितने चीज़ें जो अभी तक हमने देखा नहीं है। ये देखिए इधर से पानी आ रहा है और वो जाके आगे मिल रहा है। चलिए अब हम नीचे चलते हैं और नीचे देखते हैं कैसा दिखता है।
चलते हैं नीचे, बिल्वाधर पर्यटनीय स्थल। और आपको हम बता दें, यहाँ पे अगर आप फोर व्हीलर से जाते हैं तो आपको शायद थोड़ी कष्ट हो सकती है, क्योंकि रास्ता बहुत अनइवन है। लेकिन अगर टू व्हीलर से जाते हैं तो आप अच्छे से जा सकते हैं, और रास्ते भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं। गांव में से हम निकल के जाते हैं, जिसके वजह से रास्ते थोड़े पतले पतले हैं, तो आपको फोर व्हीलर से आते हैं तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन आप टू व्हीलर से आएंगे, रास्ता आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, वो बता देंगे आपको किधर किधर से है। ये देखिए नीचे से कितना अच्छा दिख रहा है।